हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आपको OBG पढ़ाऊंगा। OBG की सारी यूनिट को हम धीरे धीरे डील करते चलेंगे और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ OBG। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ OBG। देखिए, ये चैनल जो बनाया गया है इसका मेन पर्पज है आपको स्टडी करवाना, आपको पढ़ाना, और जिसके जिसमें हम OBG के जितनी भी टॉपिक्स हैं सभी को इसी चीज़ में डील करने वाले हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ OBG की मैं बात करूं तो OBG बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। OBG बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, OB एंड G। इस तरीके से दो वर्ड है, OB मीन्स ऑब्स्टेट्रिक और G मीन्स गायनेकोलॉजी। देखिए क्या OBG आप सब्जेक्ट जो पढ़ते हो, OBG दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, OB और G। OB मीन्स ऑब्स्टेट्रिक और G मीन्स गायनेकोलॉजी। तो क्या होता है ऑब्स्टेट्रिक? ऑब्स्टेट्रिक बेसिकली एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है। ऑब्स्टेट्रिक इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जिसमें हम प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेस को डील करते हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेस को, जिसमें हम फीमेल के प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेस को डील करेंगे, जिनमें प्री नेटल केयर, लेबर, पोस्ट नेटल केयर, इन सभी के बारे में हम इसमें डील करते हैं। देखिए क्या ऑब्स्टेट्रिक मीन्स ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस जिसमें हम डील करेंगे प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेस के बारे में। प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेस मतलब सर, मतलब प्री नेटल, लेबर और पोस्ट नेटल केयर के बारे में डील करेंगे। जिनको नहीं पता प्री नेटल पोस्ट नेटल क्या होता है, तो एक बार फीमेल की नॉर्मल लाइफ के ऊपर चलते हैं। फीमेल की जो नॉर्मल लाइफ है उसमें क्या होता है, उसमें फीमेल की नॉर्मल लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है जी। ये जो प्रेग्नेंट होती है, मैं उसी टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम में प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी डिलीवरी और डिलीवरी के बाद 6 मंथ तक के टाइम को आप किस में डील करोगे? ऑब्स्टेट्रिक में डील करेंगे। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी ट्रीटमेंट है, जो भी डायग्नोसिस है, वो किस में डील किया जाएगा? ऑब्स्टेट्रिक में डील किया जाएगा, क्लियर है। दूसरा पॉइंट की बात करूं, गायनेकोलॉजी का मतलब क्या होता है? देखिए, गायनेकोलॉजी भी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस ही है। क्या है? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस ही जिसमें हम डील करेंगे नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। इसमें क्या डील करते हैं? फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नॉर्मली जो प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के अलावा, देखिए फीमेल की जो प्रेगनेंसी की लाइफ है, प्रेग्नेंट होती है, उसके अलावा जो टाइम बचा, उस टाइम पे जो भी बीमारियां होती है, उन सारी बीमारियों के बारे में हम डील करते हैं किसमें? गायनेकोलॉजी में, ठीक है। दो चीजें हमने पढ़ी, ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेट्रिक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जिसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेस को डील करेंगे। गायनेकोलॉजी भी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स होती है उनको डील करेंगे प्रेगनेंसी के अलावा। देखिए, एक दो एग्जाम्पल को हम डील कर लेते हैं कि ऑब्स्टेट्रिक में क्या क्या चीजें डील करते हैं। जैसे लेबर, प्री नेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर के दौरान जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि अबोर्शन, इन सारी और भी लिख लेते कोई भी, PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, ठीक है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बेसिकली ये जो सारी प्रॉब्लम है ये प्रेगनेंसी रिलेटेड है। जितनी भी प्रेगनेंसी रिलेटेड बातें होंगी, प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेस होंगे, उनको सभी हम ऑब्स्टेट्रिक में डील करेंगे। दूसरा, गायनेकोलॉजी में अब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, फिर भी उसके नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि डिसमेनोरिया, ओवेरियन सिस्ट, डिसएमेनोरिया, ओवेरियन सिस्ट जैसी प्रॉब्लम जो होंगी उनको आप किस में डील करोगे? गायनेकोलॉजी में डील करते हैं। ये बेसिक था इंट्रोडक्शन ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का। अगर मैं फादर की बात करूं कि हु इज अ फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक, तो देखिएगा ऑब्स्टेट्रिक के जो फादर है उनका नाम है जे मेरियोन सिम्स। जे मेरियोन सिम्स इज ए फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक। क्या है भाई? फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक क्या है? जे मेरियोन सिम्स। दूसरा, गायनेकोलॉजी के फादर की बात करूं तो बेसिकली गायनेकोलॉजी के फादर का नाम है नाकीब पासा महफूज। नाकीब पासा
महफूज। गायकनोलॉजी का फादर जो है उसका क्या नाम है, नाकिब पासा महफूज, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको डील करते हैं, उनके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये था बेसिक ओबीजी का इंट्रोडक्शन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और औरों को बताएं ताकि हम और वीडियो बनाएं। इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।